वेलकम टू कैप्टन एंड गुड फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। आज हम बात करेंगे बफेलो की। एनिमल हस्बेंड्री हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम क्या पढ़ेंगे, बफेलो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा काउ, गाय के बारे में हमने पढ़ा और इसके दो वीडियो लेक्चर हमने देखे थे, पार्ट वन और पार्ट टू। आई होप आप लोगों ने गाय को बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया होगा। इन दोनों वीडियोस के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और आज हम किसकी बात करेंगे, बफेलो की। हिंदी में क्या बोलते हैं, बेबी को भैंस पसंद है। क्या पसंद है, भैंस पसंद है, तो आज हम पढ़ेंगे भैंस। भाई देखो, एनिमल हस्बेंड्री जो है आपके यूनिट थर्ड जो है, यूनिट सी जो है, जेट के एग्जाम की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके अलावा आईसीआर की बात करें तो आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या सिर्फ आप जेट के लिए पढ़ाते हो, तो दोस्त ऐसा नहीं है। जितने भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनके लेवल से आपको पढ़ाया जाता है। जैसे यहां पर मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, बफेलो पढ़ाऊंगा। तो आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, अगर आपके सिलेबस में बफेलो दिया हुआ है ना, तो इन वीडियोस के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आपको सब कुछ याद करवा के जाऊंगा। जो भी स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कत आती है कि सर एनिमल हस्बेंड्री में जो नस्लें हैं, जो ब्रीड हैं, उनको किस तरीके से याद रखें, उनमें से कौन सा क्वेश्चन पुटअप होता है, कैसे याद रखें, तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। बस शर्त इतनी सी है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और एक नोटबुक लेकर बैठे ताकि नोट करते हुए चले। देखो, नोट करने से क्या होगा, आप उसको बाद में पढ़ सकते हो और बाद में पढ़ने के कहीं ज्यादा फायदे हैं, आपको परमानेंट तरीके से याद हो जाएगा। जिसको भी याद करने में दिक्कत आती है, आप वीडियो को बस स्टार्टिंग से एंड तक देखना। वीडियो खत्म होने से पहले आपको भैंस की सारी नस्लें और सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हमारी जो क्लास है थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो बिल्कुल अच्छे से बैठना एक नोटबुक लेकर और समझते हुए चलना। देखो, बफेलो एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, ब्रीड है। एनिमल हस्बेंड्री बफेलो एनिमल है। तो यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो। देखो, बोर्ड छोटा है। कल भी कमेंट आए थे कि क्या सर आप पुराने वीडियोस वापस से अपलोड कर रहे हो, तो ये पुराने नहीं है, बिल्कुल नए वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल बस थोड़ा बोर्ड जो है हमारा छोटा है, बट मैं यहां पर बड़ा लिखूंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस नोट करते हुए चलना और जो मैं बोल रहा हूं उसको समझते हुए चलना। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट जय जवान जय किसान जरूर लिख दे और वीडियो को बिल्कुल यार अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और घर बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे बफेलो। हेडिंग डालो बफेलो, हिंदी में भैंस, गई भैंस पानी में। सर ने ट्रिक बताई थी ना आपको, विशाल सर ने बायोलॉजी में, गई भैंस पानी में। तो आज हम भैंस के बारे में पढ़ेंगे। और आप सबको पता है कि जो भैंस है, दो प्रकार की भैंसें पाई जाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी है कमेंट करो भाई जल्दी से। ये है हमारे पास यहां पर बफेलो, और बफेलो जो होती है दो प्रकार की होती है। दो कौन कौन से, एक तो होती है हमारे पास यहां पर इंडियन बफेलो, जिसको हम बोलते हैं पानी वाली भैंसें। कौन सी भैंसें, पानी वाली भैंसें, मतलब जो पानी में पाई जाती है। जो पानी में, आपने देखा होगा कि जो भैंसें तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में पानी में बैठी रहती है। क्यों, क्योंकि उनको गर्मी लगती है, क्योंकि उनका रंग कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। यहां पर हम बात करें दूसरी, तो दूसरी आती है एक्जोटिक ब्रीड, एक्जोटिक ब्रीड, और इनको बोलते हैं विदेशी नस्लें या विदेशी भैंसें। और यहां पर जैसे ये पानी वाली भैंसें हैं, तो इनको हम दलदली भैंसें भी बोलते हैं, मतलब ये दलदली एरिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, दलदली एरिया में। अब बात करें यहां पर जूलॉजिकल नेम की, किसकी बात करेंगे, जूलॉजिकल नेम। तो दोनों के जूलॉजिकल नेम अलग अलग होते हैं।
जिस तरीके से आपको पता होगा कि कोई भी जो फसल होती है क्या होती है, फसल क्रॉप, उसका क्या होता है, बीएन होता है, मतलब बोटानिकल नेम होता है, वनस्पतिक नाम होता है। उसी प्रकार जितने भी एनिमल हैं, उनका क्या होता है, जूलॉजिकल नेम होता है। तो सबसे पहले तो आप इस डाउट को क्लियर कर लेना कि एनिमल का बोटानिकल नेम नहीं होता, जूलॉजिकल नेम होता है, क्योंकि जूलॉजी के अंदर हम इनको पढ़ते हैं और यहां पर बोटानिकल नेम मतलब बोटनी के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जूलॉजिकल नेम बताओ भाई फटाफट, क्या होगा भैंस का जूलॉजिकल नेम, बुबेलिस बुबेलिस, क्या होगा, बुबेलिस 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 बुबेलिस, तो क्या हो गया हमारे पास पानी वाली भैंसों का नाम, बुबेलिस बुबेलिस। ये तो कौन सी भैंस हो गई, पानी वाली भैंस हो गई, बहुत इजी है। देखो पहली बार आप नाम सुनोगे तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, याद करने में दिक्कत आएगी, बट जब भी आपको बफेलो दिखेगी, भैंस आपको दिखेगी, तो आप क्या बोलोगे, बुबेलिस बुबेलिस बोलोगे। आगे हम बात करें यहां पर दलदली, दलदली जो भैंसें होती है उसका वनस्पति सॉरी उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम की बात करेंगे, जूलॉजिकल नेम है बुबेलिस बुबेलिस कार्बेंसिस कार्बेन से सिस। इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं बुबेलिस कार्बेनसेसिस, बुबेलिस कार्बेनसेसिस, इसका क्या हो गया, जूलॉजिकल नेम हो गया। अब देखो थोड़ा सा नोटिस करना, जो पानी वाली जो भैंसें होती है, जो इंडियन ब्रीड है, जो इंडिया में पाई जाती है, उनका जो मांस होता है क्या होता है, मीट, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करो भाई जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो, क्या बोलते हैं, बफन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बफन। तो लिखो यहां पर मीट मीट, और मीट को क्या बोलेंगे, बफन बोलेंगे। बट यहां पर जो विदेशी एक तरीके से जो दलदली क्षेत्र में जो भैंसें पाई जाती है, इसके मीट को क्या बोलते हैं, केरा बीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केरा बीफ। तो ये हमारा बेसिक बेसिक परिचय हो गया किसका, बफेलो का, भैंसों का। अब यहां पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दो प्रकार की भैंसें हमने देखी, इंडियन और दूसरी एक्जोटिक। इंडियन में पानी वाली भैंसें हम इनको बोलते हैं क्योंकि पानी में मतलब जाके बैठ जाती है, गई भैंस पानी में, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जूलॉजिकल नेम बुबेलिस बुबेलिस, और इसके मीट को बफन बोलेंगे। यहां पर विदेशी दलदली क्षेत्र में पाई जाएगी बुबेलिस कार्बेंसिस, और केराबीफ इसके मीट को बोलेंगे। आगे बढ़े भाई, समझ में आ गया आप लोगों को, कल कमेंट आ रहे थे कि सर साइड में हो जाया करो, तो भाई ये लो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अगर आप नोट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है भाई, नोट करोगे ना। देखो आप लोगों ने 10th क्लास में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा कि जैसे हम हाथ से लिखते हैं ना, तो वो क्या है, हमारे माइंड में अच्छे तरीके से सेव रहता है, परमानेंट तरीके से थोड़ा सा हमें ज्यादा याद होता है, अपेक्षाकृत ऐसे नॉर्मल देखने की वजह से। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप नोट्स बनाओ अपने खुद के फॉर्मेट में। क्लियर, आगे बढ़े तो भाई नोट करते हुए चलना जितने भी क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसके बाद हम एक एक ब्रीड को पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, जो भैंस है, भैंसों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, कमेंट करो जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आंसर आपको देना है, क्या बताना है, ओरिजिन आपको बताना है कि भैंसों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। ऑप्शन दो भाई, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए कोरोना कोरोना, ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, एंड ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, एंड ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कमेंट करो भैंसों का एक तरीके से ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान कौन से देश को, कौन से कंट्री को माना जाता है। तो क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत। भैंसों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, भारत से मानी जाती है। अब अलग अलग भैंसे हैं तो उनका ओरिजिन भी हम अलग अलग देखेंगे भाई। वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि अब हम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। बात करें कि मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें, तो बताओ भाई कमेंट करो जल्दी से, भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 16 नस्लें हैं, कितनी नस्लें हैं, 16। अब देखो नाम भी याद करवाऊंगा कि 16 कौन कौन सी है, बट एक आपको मैं यहां पर बता देता हूं
कि कितनी नस्लों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मात्र 6 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं? मात्र 6 नस्लें हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बाकी जो 10 है वहां से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। तो पूरी 16 के 16 मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो सके। अब बात करें कुल की, परिवार, कमेंट करो फैमिली। जैसे हमारा परिवार होता है ऐसे ही बफेलो का भी होता है, काउ का भी होता है, जिस तरीके से हमने फसलों को पढ़ा था। तो यहां पर आपको क्या बताना है? बफेलो का परिवार बताना है और इसका परिवार है बोवेडी। क्या है? बोवेडी, BOVIDAE, बोवेडी क्या हो जाएगा? इसका परिवार हो जाएगा। तो आप लोगों को परिवार अच्छे तरीके से याद रखना है। बात करें क्रोमोसोम नंबर की, किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोम नंबर। अब देखो क्रोमोसोम नंबर भी अलग अलग होंगे। देखो आपको मैंने बताया अभी कि एक तो पानी वाली भैंस होती है और एक होती है दलदली एरिया वाली। तो पानी वाली भैंस में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n = 50। कितनी होती है? 2n = 50। और यहां पर दलदली में होती है 2n = 48। दो गुणसूत्र इसमें कम होते हैं। तो अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलना, समझते हुए चलना। आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर सिलेबस में बफेलो हैं तो इन वीडियोस के बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। आप समझते हुए चलना और नोट करते हुए चलना। आगे बढ़े, बेसिक क्वेश्चन में अभी आपको बता रहा हूं। यहां पर प्रथम ब्यात मतलब पहली बार जब भैंस ब्याएगी तो उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र में पहली बार भैंस ब्याती है। तो आपका आंसर क्या होगा? 36 से 42 माह में। कितने माह में? 36 से 42 माह में पहली बार भैंस ब्याती है। अगला क्वेश्चन, जो ब्याने की जो क्रिया होती है, ब्याने की क्रिया, या तो फिर आप इसको बोल दो कि बच्चा देने की क्रिया, या बोल दो ब्याने की क्रिया, तो क्या बोलेंगे भाई? कमेंट करो जल्दी से जल्दी, क्या बताना है आपको? ब्याने की क्रिया, ब्याने की क्रिया, या फिर क्या बोलोगे? बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया, या जन्म देने की क्रिया, क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे काविंग। क्या बोलोगे? काविंग। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एक क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार वो ब्याने की क्रिया ना पूछ के क्या पूछता है? मैथुन क्रिया पूछ लेता है, और मैथुन क्रिया में बच्चे क्या लगा देते हैं? काविंग लगा देते हैं। बट काविंग क्या है? ब्याने की क्रिया, मतलब बच्चा पेट से बाहर आ रहा है, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं काविंग। समझ में आया आप लोगों को? अब मैं बात कर रहा हूं मैथुन क्रिया की। मैथुन क्रिया और मैथुन क्रिया को हम बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, स्टार लगा लेना। अब देखो कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी भैंसें एक जगह पर बैठी रहती है, बहुत सारी भैंसें एक जगह पर इकट्ठी होकर बैठती है, तो उस ग्रुप को, उस समूह को क्या बोलते हैं? भैंसों के समूह को क्या बोलते हैं भाई? कमेंट करो जल्दी से, क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। तो लिख लेना, भैंसों के समूह को हर्ड बोलते हैं, समूह, और समूह को क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। लो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बोर्ड छोटा है तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट आप समझते हुए चलना, नोट करते हुए चलना भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, कर दू ना रफ। अब आप मुझे बताओ जो युवा नर होता है, युवा नर, उसको क्या बोलते हैं? भैंस जो होती है उसमें जो युवा नर होता है उसको क्या बोलते हैं? कमेंट करो भाई जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, क्या बोलेंगे? मैं बात किसकी कर रहा हूं? युवा नर की। और युवा नर को क्या बोलेंगे? आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो गांव के स्टूडेंट है उनको पता है, क्या बोलते हैं? पाडा। क्या बोलते हैं? पाडा बोलते हैं। तो लिख लो पाडा, पाडा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बफेलो कॉफ, बफेलो कॉफ। क्या बोलते हैं? बफेलो कॉफ। अब यहां पर मैं बात करूं किसकी? मादा की। तो बताओ क्या बोलेंगे भाई? मादा, युवा मादा। और इसको हम क्या बोलेंगे? अब जैसे यहां पर पाडा बोल रहे हैं तो ऐसे हम बोलेंगे पडियां। बहुत इजी है ना भाई, पडियां। तो याद कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, पड़िया। और इंग्लिश में बोलेंगे बफेलो, बफेलो हीपर, बफेलो हीपर। क्या बोलेंगे? बफेलो हीपर। तो ये हो गया हमारे पास युवा नर, युवा मादा, और आप लोगों ने समूह लिख लिया होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं श्वास दर की।
श्वास दर। श्वास दर क्या होती है कि एक मिनट में भैंस कितनी बार श्वास लेती है, तो कितनी बार लेती है, 16 से 20 बार लेती है। कितनी बार लेती है, 16 से 20 बार प्रति मिनट। अब देखो क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाता है, एक तो इस पर स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, और इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भकाल अवधि। देखो यहां पर जो भी लिख रहा हूं मैं किस में लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट ज्यादा है, बट इंग्लिश में भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और हिंदी में भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो सके। तो यहां पर क्या पूछ रहा हूं, गर्भकाल अवधि, और कमेंट करो जल्दी से जल्दी। ऑप्शन आपके लिए मैं देता हूं, ऑप्शन नंबर ए 280 दिन, 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी 305 दिन। ऑप्शन नंबर सी 340 दिन। एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 305 दिन। देखो भैंस की जो गर्भकाल अवधि है मतलब पेट में जितने दिन तक बच्चा रहेगा उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि। तो कितने दिन की होगी, यहां पर इसकी गर्भकाल अवधि होती है 310 दिन की। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में 310 तो था ही नहीं, तो आपको फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है आंसर कि क्या दे रखा है। अगर आप यहां पे देखोगे 280 तो 280 तो गलत है, ये तो गाय में होता है, किसमें होता है, गाय में। और जो 340 है ये तो कहीं ज्यादा हो गया, और नन ऑफ दिस भी हम लगा नहीं सकते क्योंकि यहां पर हमारे पास राइट आंसर है कितना है 305 दिन। तो कहीं किताबों में आपको 305 मिलेगा, किसी में 310 मिलेगा, किसी में 309 मिलेगा, तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर। तो यहां पर अभी आप राइट आंसर लगा लो, गर्भकाल अवधि 310 दिन की। अगला क्वेश्चन क्या है, दुग्ध काल, लैक्टेशन पीरियड। दुग्ध काल लैक्टेशन पीरियड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलपी। एलपी मतलब लव प्रकाश, मत समझना ठीक है ना, लव प्रकाश तो मेरा नाम है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं दुग्ध काल की, मतलब कि कितने दिन तक भैंस दूध देती है। देखो साल में कितने दिन होते हैं, कमेंट करो 365 दिन, कितने 365 दिन। तो ये जो दूध देती है दुग्ध काल होता है इसका 300 दिन का, कितने दिन का, 300 दिन तक दूध देगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूखा काल बताओ, सूखा काल मतलब ड्राउट पीरियड, मतलब जब दूध नहीं देगी तो माइनस कर दो 365 में से 300 दिन, कितने बचे 60 से 65 दिन बचे, तो सूखा काल लिख लो आप यहां पर, सूखा काल। और सूखा काल कितने दिन का होता है, 60 दिन का होता है, कितने दिन का होता है 60 दिन का। भाई समझ में आ रहा है आप सभी को बिल्कुल अच्छे से। देखो अगर आपका पूरा का पूरा फोकस कमेंट पर ना होकर बोर्ड पर होगा ना तो सब याद हो जाएगा, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बस आप वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बफेलो के बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज हो जाएगी, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सारे के सारे मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। गेट खोल के आओ, आगे बढ़े भाई, ठीक है आप लोगों से नहीं बोल रहा भाई है ना, कहां जा रहे हो। तो देखो क्या देख लिया हमने, यहां पर गर्भकाल अवधि देख ली हमने, दुग्ध काल देख लिया, श्वास दर देख ली। अब हम बात करते हैं यहां पर अगला हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बॉडी टेम्परेचर। कमेंट करो भाई, कल मैंने आप लोगों को गाय का बॉडी टेम्परेचर बताया था, और गाय का कितना बताया था, गाय का मैंने आपको गाय का बताया था 38.5 डिग्री सेल्सियस, कितना 38.5 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में कितना बताया था, 101 डिग्री फारेनहाइट। अब यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भैंस की, बफेलो की। तो बफेलो का कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें कि सर फारेनहाइट में पूछ ले, तो फारेनहाइट में लगा देना 100 डिग्री फारेनहाइट, कितना लगाओगे 100 डिग्री फारेनहाइट लगाओगे। तो भाई एक बार फिर से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई वीडियो को। अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। देखो यार आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट करें। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखता है सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें, आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको मतलब एक तरीके से, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लिख सकते हो गुड नाइस, जय जवान जय किसान। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा माइंड में कि क्या लिखे तो आप जय जवान जय किसान जरूर लिखे, बट कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा हौसला जो है ना बढ़ा देता है, और फिर हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़े भाई, रफ कर दूं मैं इसको, कर लिया ना भाई सबने नोट।
आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं दूध। सबने देखा होगा बफेलो का दूध पिया भी होगा। आप में से भैंसे किस किस ने चराई है भाई? जो गांव में रहते हैं उन्होंने तो भैंसे चराई है, क्योंकि जब मैं भी गांव में रहता था तो भैंसे तो नहीं चराई मैंने, बट बकरियां चराई है, बकरियां चराने जाता था मैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं दूध की। देखो पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक जो दूध हमें मिलता है वो किससे मिलता है? भैंसों से प्राप्त होता है, बफेलो से। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध की प्राप्ति जो होती है किससे होती है? भैंस से होती है। देखो आपको ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा, गाय मिलेगी, भैंस, बकरी और भेड़, बट आपको क्या लगाना है, आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जो दूध है भैंसों से प्राप्त होता है कितना परसेंट, तो परसेंट भी लिख लो भाई, 52%। कितना लिखोगे? 52%। रफ कर दूं मैं इसको, इसके बाद में आती है गाय। अब यहां पर थोड़ा सा दूध के बारे में जान लेते हैं। दूध की बात हमने की है यहां पर, मिल्क की बात, तो मिल्क के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। देखो मिल्क में एक तो होता है वाटर, क्या होता है वाटर, एक टेबल बनवाऊंगा छोटी सी, ठीक है ना, वाटर, फिर फैट, फिर आपको याद रखना है प्रोटीन, फिर उसके बाद आपको याद रखना है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है? शर्करा होती है लैक्टोज। तो कितना कितना पाया जाता है भाई, कमेंट करो जल्दी से। पानी की मात्रा होती है इसमें अप्रोक्स 82%। कितनी होती है? 82%। स्टार लगा के लिखना 82%। और वसा कितनी होती है भैंस के दूध में? भैंस के दूध में वसा होती है 7.38%। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर्वाधिक वसा, क्वेश्चन पहले पूछा गया है जेट आईसीआर बीएचयू तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि सर्वाधिक जो वसा होती है कौन से भैंस की नस्ल में होती है, दूध में। तो राइट आंसर क्या होगा वहां पर? भदावरी का नाम आप लोगों ने सुना है ना, भदावरी, जो भदावरी नस्ल है भैंस की, इसका जो दूध होता है उसमें 13% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 13%। और यह एक ऐसी नस्ल है जो गर्मी सहन करती है, क्या करती है? गर्मी सहनशील नस्ल है। आगे बात करें प्रोटीन की, वाटर आप लोगों को याद रखना है, फैट आपको याद रखना है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होता है 3.60% और लैक्टोज की मात्रा होती है 5.48%। कितनी होती है? 5.48% होती है। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, गाय के दूध की बात करें, जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध ये पतला होता है पतला, और जो भैंस होती है भैंस, इसका दूध कैसा होता है? जाड़ा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि यहां पर इसमें वाटर कम है। कितना है इसमें? तो 82% वाटर है, बट इसमें 87% वाटर है। तो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी वो पतला होता है। आप लोग देखोगे बिल्कुल प्योर दूध निकाल के अगर आप लाओगे, भाई आप में से दूध कौन कौन निकालता है? जो भी दूध निकालता है उसको पता होगा, जो भी दूध निकाल के लाता है बाल्टी में वो बिल्कुल जाड़ा जाड़ा होता है, लेकिन अगर आप उसमें जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे ना तो पतला होता जाएगा। तो वही रीजन है कि जो गाय का दूध है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें 87% पानी होता है, और जो बफेलो का जो मिल्क होता है उसमें 82% क्या होता है? पानी होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जाड़ा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े भाई, अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं, जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखवा दिया, सर्वाधिक दूध की प्राप्ति जो हमें होती है वो किससे होती है? भैंसों से प्राप्त होता है। कितना भाई? 52%। आगे लिखो, भारत में या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? कमेंट करो भाई जल्दी से, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, कमेंट करो भाई जल्दी से, कौन सी है? मुर्रा। बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, मुर्रा। नाम आपने सुना होगा, और जो मुर्रा नस्ल है इसके जो सींग हैं कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के। एक एक नस्ल को पढ़ाऊंगा अभी, आगे जैसे बेसिक का क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक एक नस्ल को पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, कौन सी नस्ल में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा हम यहाँ पर बेसिक देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्वेश्चन कौन सा हो गया, सर्वाधिक दूध वाला भैंस है, उसके बाद में भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वजन वाली, सबसे ज्यादा भारी नस्ल कौन सी है? सबसे ज्यादा वजन वाली नस्ल, कमेंट करो भाई जल्दी से, कमेंट करो
क्या होगा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाफराबादी। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, जाफराबादी जो नस्ल है इसको मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैसी दिखाई देती है? हाथी के जैसी दिखाई देती है, काफी बड़ी नस्ल है। तो लिख लो इसको मिनी एलिफेंट क्या बोला जाता है? मिनी एलिफेंट। कहीं बार पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से मिनी एलिफेंट किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जाफराबादी होगा। क्लियर? आगे बढ़े। मैं यहां पर बात करूं सर्वाधिक वसा कौन से भैंस की नस्ल में पाई जाती है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया सर्वाधिक वसा। कमेंट करो भाई जल्दी से, सर्वाधिक वसा। तो सर्वाधिक वसा पाई जाती है भदावरी में, भदावरी। और भदावरी में कितनी? 13%। कितनी? 13% वसा, फेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फेट बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन मेरे पास यहां पर है। सबसे भारी मैंने आपको बता दिया, अब सबसे हल्की की बात करें। सबसे भारी तो जाफराबादी, अब सबसे हल्की, तो सबसे हल्की कौन सी होगी? सबसे हल्की लिख लो, सबसे और सबसे हल्की, और सबसे हल्की है नागपुरी। कौन सी है? नागपुरी तो सबसे हल्की है, और सबसे भारी है जाफराबादी। अब यहां पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से पूछ लेता है वो कि सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है, और अधिकतर स्टूडेंट क्या लगाते हैं? नागपुरी क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो क्या देखते हैं? हल्की। बट हल्की नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? छोटे आकार की। तो छोटे आकार की नस्ल है जोरांगी, छोटे आकार की। तो छोटे आकार की कौन सी है? जोरांगी है। कौन सी है? जोरांगी। अगला क्वेश्चन यहां से पूछता है, भारत में केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहां पर है? क्या केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहां पर है? कमेंट करो भाई जल्दी से, कमेंट करो क्या बताना है आपको। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कमेंट करो जल्दी से भाई, फटाफट। 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, जल्दी से कमेंट कर दो कहां पर है भाई, जल्दी से बता दो राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारे पास होगा हिसार हरियाणा। तो यहां पर जो भी मैंने आपको बताया ये सारे के सारे हमारे बफेलो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कई बार एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। अभी हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया है बफेलो के बारे में, बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया, और बिल्कुल बेसिक नॉलेज मैंने आपको यहां पर बताई है। अब हम बात करेंगे एक एक भैंस की क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी रेडी हो भाई? बिल्कुल अच्छे से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है, और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट जल्दी से, और बिल्कुल अच्छे से पानी वानी पी के बैठ जाओ, क्योंकि हम यहां पर नस्लें स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जितना भी मैंने आपको अभी बताया ये बिल्कुल बेसिक था भैंस के बारे में, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक एक ब्रीड की। किसकी बात करेंगे? एक एक ब्रीड की, ब्रीड्स या नस्लें। अब देखो जो नस्लें हैं एक तरीके से मैं बात करूँगा यहाँ पर वर्गीकरण की। किसकी बात करूँगा? वर्गीकरण। तो भैंसों का वर्गीकरण दो तरीके से किया हुआ है, मैंने आपको बताया था। एक तो कौन सा है? एक तो हमारे पास है पानी वाली भैंसें, पानी वाली क्या होती है? बुबेलिस होती है। और दूसरी आती है दलदली क्या होती है? बुबेलिस कार्बेंसिस होती है। अब जो पानी वाली भैंसें हैं इनके अंदर भी दो तरीकों से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एक तो हम बात करेंगे भारी नस्लें, और दूसरी हम बात करेंगे हल्की नस्लें। अब इनमें मैं आपको छः नस्लें बताऊँगा, तीन नस्ल आपको बताऊंगा भारी नस्लें, और तीन आपको बताऊंगा हल्की नस्लें। इन्हीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, मतलब 6 नस्लों से इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। यहाँ पर दलदली इनमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है। बस एक दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, जैसे ब्राज़ील की काली, ब्राज़ील की लाल, ठीक है ना? लिख लो दो उदाहरण, लिख लो ब्राज़ील की काली और ब्राज़ील की
लाल जो ये नस्लें हैं, एक्सेट्राई कौन सी है, दलदली नस्लें हैं। बाकी अब यहां पर मैं आपको ये वाला टॉपिक आप डाल लेना, पानी वाला टॉपिक आप डाल लेना, और इसमें सबसे पहले टॉपिक डालो भारी नस्लें। कर दूं वही रफ, देखो स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लिया करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, बट आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे या फिर आप नोट करते रहे। इतने ज्यादा स्पीड से मैं नहीं पढ़ा रहा, आप आसानी से नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले हेडिंग कौन सी डालोगे आप, सबसे पहले हेडिंग डाल लो पानी वाली नस्लें, पानी वाली नस्लें, पानी वाली नस्लें। और पानी वाली नस्लें भी कितनी, दो बताया था भाई जस्ट अभी मैंने आपको, दो पानी वाली नस्लें बताई थी। एक तो मैं आपसे बात करूंगा भारी नस्लों की और एक बात करूंगा मैं हल्की नस्लों की। भारी, भारी नस्लों का क्या मतलब है, जिनका वजन ज्यादा होता है, जिनका वजन ज्यादा होता है। और एक बात करेंगे हल्की नस्लों की, हल्की नस्लें मतलब लाइट वेट, जिनका वजन कम होता है, हल्की नस्लें। अब देखो जो भारी नस्लें हैं, ट्रिक पे आ जाते हैं भाई, ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ट्रिक बिना समझ में नहीं आएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारे पास है जन्म। अब जन्म में आधा न लिखते हैं हम यहां पर पूरा लिखेंगे जन्म, मैं बात कर रहा हूं जन्म की, या फिर जन्म भाई कब हुआ था आप लोगों का जन्म पता है, डेट ऑफ बर्थ भाई, डेट ऑफ बर्थ याद रखना। कई बार स्टूडेंट को अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती भाई, जो मेरी है ना वो मेरी है 22 अगस्त, कितनी है 22 अगस्त। तो आप सब अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखना, तो जन्म से आप याद रखोगे। जन्म से कैसे याद रखेंगे सर, तो देखो मैं आपको बताता हूँ जन्म से कैसे याद रखोगे। जो भारी नस्लें हैं वो हमारे पास, इससे तो जे मतलब तो जाफराबादी, नीली रावी और मुर्रा, तीन नस्लें यहाँ से मैं आपको याद करवाऊंगा। इसके बाद बात करें हल्की नस्लें, तो हल्की नस्लें कैसे याद रखेंगे, तो हल्की नस्लें हम याद रखेंगे भैंस में, हल्की भैंस में। तो नॉर्मल आप लिखना है यहाँ पर भैंस में, ये हमारी ट्रिक है। ये क्या है हमारी ट्रिक, भैंस में। अब सर भैंस में से कैसे याद रखेंगे, तो देखो यारो भे, भे मतलब आप याद रखोगे भदावरी, क्या याद रखोगे भदावरी, लिख देता हूँ भाई। पहले तो हम इसकी बात करते हैं जाफराबादी, जाफराबादी मिनी एलिफेंट कहा जाता है, सर्वाधिक वजन होता है। नीली रावी, नीली रावी, और माँ मतलब आपको क्या याद रखना है, मुर्रा, मुर्रा याद रखना है आपको। यहाँ पर भैंस में, भैंसे आप याद रखोगे भदावरी, भदावरी सर्वाधिक फैट परसेंटेज। सा मतलब आप याद रखोगे सूरती, दराती जैसे सींग। उसके बाद माँ मतलब आप याद रखोगे महसाना, महसाना, ठीक है ना, कई बार मसाना बोल देते हैं। मैं मतलब महसाना, सा मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे सूरती याद रख लो, ना मतलब नागपुरी याद रख लो। तो बहुत सारे अलग अलग ट्रिक है जिनसे आप याद रख सकते हो, बट उनसे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ ओनली छह नस्लों से, एक तो जाफराबादी, नीली रावी, मुर्रा, ये है जन्म, मतलब एक तरीके से भारी नस्लें। फिर हल्की नस्लों में भदावरी, सूरती, महसाना, ये छह नस्लें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो मुर्रा, क्या हेडिंग डालोगे, मुर्रा हेडिंग डाल लो भाई, और बिल्कुल अच्छे से मुर्रा को समझते हैं। यहाँ पर देखो ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ क्रेश कोर्स, मतलब आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल जो भी एग्जाम में हमारे लिए आता है, जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम एक एक भैंस को पढ़ेंगे ना तो एक घंटा लग जाएगा, क्योंकि फिर हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा उसमें, इसीलिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट की। तो सबसे पहले पानी वाली नस्लों में आप हेडिंग डाल लो, भारी वालों में मुर्रा, मुर्रा। अब मुर्रा जो है इसका उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन कहां से माना जाता है, कमेंट करो कहां से माना जाता है, पंजाब, पंजाब व हरियाणा से, पंजाब व हरियाणा से, या रोहतक। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर रोहतक है, अगर ऑप्शन में रोहतक दे रखा है तो आप क्या लगा दोगे, रोहतक लगा दोगे। विशेषता इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना जितने भी आपके पास हो भाई, पैसे थोड़ी लग रहे हैं हमारे स्टार के, तो तीन स्टार हमने यहां पर लगा दिए। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, कितना दूध देती है, दूध की भी बात करेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या आता है कि इसके जो सींग होते हैं, सींग वो कैसे होते हैं, जलेबी के आकार के, इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से दोनों सींग ऐसे घूमे रहेंगे। ये है मुर्रा भैंस की खास पहचान। तो
लिखना इसमें जलेबी आकार के सींग, जलेबी आकार के सींग। भाई सींग से एक और क्वेश्चन बनता है, उम्र ज्ञात करते हैं सींग द्वारा। बता देता हूं यहां पर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, एज एज अगर हमें फाइंड करनी है तो देखो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, भाई कमेंट करो आप। ऑप्शन आपके पास है दांत देखकर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है खुर देखकर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है सींग देखकर, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है शारीरिक दशा देखकर, शारीरिक दशा देखकर। कमेंट करो, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा, दांत देखकर। दांत देखकर हम गाय भैंसों में एज पता करते हैं, बट यहां पर सींग से कैसे पता करते हैं, तो देखो ये बना देता हूं मैं एक सींग, ये हो गया सींग। अब देखो सींग से कैसे पता करते हैं, तो सींग पे अगर आप बारीकी से देखोगे ना अच्छे तरीके से, तो यहां पर सर्कल बने होते हैं, क्या बने होते हैं सर्कल। अब जो पहला जो सर्कल बनता है, पहला सर्कल ये बनता है तीन वर्ष में, कब बनता है तीन वर्ष में। इसके बाद के जो भी सर्कल बनेंगे, जैसे एक और सर्कल इसके बाद बना तो ये बनेगा एक वर्ष में, इसके बाद अगर एक और सर्कल बना तो ये बनेगा एक वर्ष में। और सेम ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि बताइए किसी भैंस के सींग में तीन छल्ले हैं, इनको क्या बोलते हैं, छल्ले बोलते हैं, तो उम्र कितनी होगी, तो कितनी होगी तीन वन वन, कितने हो गए पांच वर्ष, तो इस भैंस की उम्र कितनी हो गई पांच हो गई। अगर मैं बोलूं कि चार छल्ले हैं, चार क्या है छल्ले हैं, तो उम्र कितनी होगी, तो एक और प्लस कर दो तीन, तो ये हो गए और तीन ये हो गए तो छह वर्ष की हो गई। तो ये हमारा टॉपिक नहीं था बट मैंने आपको यहां पर बता दिया, जलेबी आकार के सींग इसके होते हैं, किसके, बफेलो के। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, मुर्रा दूध, दूध मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक दूध देती है, कितना दूध देती है, तो ये दूध देती है, दूध लिख लेना मिल्क, मिल्क और मिल्क देती है 2073 केजी प्रति ब्यात, 2076 केजी प्रति ब्यात क्या देती है, दूध देती है। और सबसे सुंदर नस्ल की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, सबसे सुंदर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुर्रा है, बहुत सही है और बहुत अच्छी नस्ल है, आप लोगों ने देखा होगा। भाई कमेंट जरूर करें आप में से किस किस ने मुर्रा नस्ल को देख लिया, जब भी आपको मुर्रा नस्ल दिखे तो आपके माइंड में ये दो चार क्वेश्चन आने ही आने चाहिए, क्या आना चाहिए, वाह ब्यूटीफुल, मतलब सबसे सुंदर नस्ल है। इसके बाद सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, फिर आपके माइंड में आना चाहिए सींग कैसे, जलेबी के जैसे हैं, तो आप जलेबी जैसे सींग भी देख लेना, इस तरीके से सींग होंगे उसके, तो तीन चार क्वेश्चन बनते हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आगे बढ़े, यह हो गया हमारी मुर्रा नस्ल कंप्लीट। जन्म, जन्म मैंने आपको बताया था जन्म, तो ट्रिक की अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको म वाला बता दिया, अब हम बात करेंगे नीली रावी। देखो मुर्रा के बाद में अगर कोई सबसे अच्छी नस्ल है दूध देने के मामले में तो है नीली रावी, कौन सी है नीली रावी। फिर हम बात करेंगे जाफराबादी की, नोट कर लिया, ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, और वीडियो को लाइक करते हुए चले और अधिक से अधिक शेयर करते हुए चले। बढ़े आगे, आगे बात करेंगे दूसरे नंबर की नस्ल कौन सी है, हेडिंग डाल लो नीली रावी। क्या हेडिंग डालोगे भाई, नीली रावी डालोगे, नीली रावी दूसरे नंबर की, नीली रावी। और जो नीली रावी है उत्पत्ति बताओ भाई, उत्पत्ति है मॉन्टगोमरी, मॉन्टगोमरी पाकिस्तान, मॉन्टगोमरी पाकिस्तान से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। और मुर्रा के बाद सबसे अच्छी नस्ल, तो लिख लो मुर्रा के बाद दूसरे नंबर की नस्ल, दूसरे नंबर की सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, नीली रावी होगा। अब देखो नीली रावी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नीली रावी कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, जो सतलज नदी है उसके किनारों पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, तो लिखो स्टार लगा के सतलज नदी के किनारे पर, किनारों पर पाई जाती है, पाई जाती है। अब आप लोगों ने, आप लोगों को याद होगा कि जो सतलज रिवर है, जो सतलज नदी है, इसका पानी कैसा, इसका पानी होता है सर नीला, पानी कैसा होता है नीला, तो नीला जो पानी होता है, तो इसकी जो आंखें होती है
किसकी आंखें? नीली रावी की आंखें हैं, वो भी कैसी होती है? नीले रंग की होती है। जिस प्रकार सतलज नदी का पानी नीला है, उसी प्रकार नीली रावी जो है, नीली रावी इसी तरीके से इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसकी आंखें कैसी होती है? नीले रंग की आंखें होती है। और इसकी आंखें नीले रंग की होने की वजह से, लिखो यहां पर, इसकी आंखें कैसी? नीली और नीले रंग की आंखें होने की वजह से इसकी आंखों को बॉल आइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉल आइज, स्टार लगा लेना भाई, बॉल आइज किसको बोला जाता है? तो नीली रावी की आंखों को बोला जाता है। एक और खास पहचान होती है, क्या पहचान होती है? इसका जो सर होता है उस पर क्या होता है? सफेद टीका होता है। आप लोगों ने देखा होगा, सपोज करो ये सर है और इसके बीच में सफेद टीका, तो सफेद टीका होता है। तो लिख लेना, सर पर, सिर पर सफेद टीका, सफेद टीका किस भैंस पर होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नीली रावी पर होता है। दूध कितना देती है? तो दूध देती है 1700 केजी प्रति ब्यात। कितना देती है? 1700 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। और इसका दुग्ध काल जो होता है 250 दिन का होता है। फैट परसेंट होता है इसमें 5 से लेकर 6.5%। लिख लो फैट, फैट लिख लो 5 से लेकर 6.5%। और दुग्ध का लैक्टेशन पीरियड जो होता है 250 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 250 दिन का। तो हमने यहाँ पर मुर्रा को देखा, उसके बाद में नीली रावी को देखा, अब हम किसकी बात करेंगे? जाफराबादी की बात करेंगे। भाई आ रहा है आप लोगों को समझ में? आप सभी वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज लेकर आए। आगे बढ़े भाई, रफ कर दूं, किसकी बात करेंगे? जन्म। और जन्म में हम पीछे से चल रहे हैं, मतलब मुर्रा हमने देखी, उसके बाद में हमने नीली रावी, और अब हम बात करेंगे जाफराबादी। किसकी बात करेंगे? जाफराबादी, जिसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी एलिफेंट। थर्ड नंबर पे जाफराबादी, और जाफराबादी का जो ओरिजन है वो क्या है? गिर के जंगल, गिर के जंगल। और गिर के जंगल कहाँ पे हैं? गिर के जंगल सर गुजरात में हैं। कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। और जो गुजरात हैं या फिर खटियावाड़ क्षेत्र, खटियावाड़ क्षेत्र, इसीलिए इसको खटियावाड़ी नस्ल भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, गिर के जंगल या खटियावाड़ क्षेत्र इसका क्या हो गया? उत्पत्ति स्थान हो गया। सबसे पहला स्टार क्या लगाओगे? सबसे ज़्यादा वजन वाली नस्ल, सर्वाधिक वजन वाली नस्ल, सर्वाधिक वजन या भारी नस्ल कौन सी है? तो जाफराबादी है। और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मिनी एलिफेंट। क्या बोला जाता है? मिनी एलिफेंट भी इस नस्ल को बोला जाता है। मिल्क की बात करें कि दूध कितना देती है, तो दूध देती है मिल्क और मिल्क कितना? 1300 से लेकर 1500 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। कितना दूध देती है? इतना दूध देती है। अगर पर डे की बात करें तो अप्रोक्स 12 केजी पर डे दूध देती है। अप्रोक्स 12 केजी पर डे दूध देती है। और इसमें जो फैट होता है, फैट वो होता है 8% वसा की मात्रा। कितनी? 8% वसा की मात्रा। तो यहाँ पर हम ये क्या पढ़ रहे हैं? पानी वाली भैंसें पढ़ रहे हैं। पानी वाली भैंसों में सबसे भारी नस्लें हमने पढ़ी है। सबसे भारी नस्लें कैसे याद रखोगे? जन्म से याद रखोगे। जिस प्रकार आप सबको अपना अपना जन्म याद होता है, उसी प्रकार आप यहाँ पर इस जन्म से मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, या जाफराबादी, नीली रावी या मुर्रा। देखो बफेलो की नस्लें हैं, अगर आप नॉर्मली 2-4 बार रजिस्टर में नोट करोगे ना, तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भाई ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। वीडियो को लाइक कर दो, आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो। अब किसकी बात करेंगे हम? हल्की नस्लों की। ये भारी नस्लें थी, कौन सी नस्लें थी? भारी। इसमें सबसे भारी कौन सी? जाफराबादी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? हल्की नस्लों की। हल्की मतलब समझ गए, जिनका वजन कम। जन्म को मिटा दिया जाए, तो जन्म हमने मिटा दिया, और अब हम किसकी बात करेंगे? हल्की नस्लों की। हल्की नस्लें, और हल्की नस्लों में ट्रिक बोलो भाई, फटाफट जल्दी से बोलो ट्रिक। ट्रिक क्या आती सर? ट्रिक बहुत इजी है। भैंस में, गई भैंस पानी में,
गई भैंस पानी में, बट आपको क्या याद रखना है, भैंस में आपको याद रखना है। अब भैंस में से कैसे याद रखोगे, सबसे पहली नस्ल भैंस आप याद रखोगे भदावरी। क्या याद रखोगे, भदावरी। भाई समझ में आ रहा है आप सभी को, भदावरी। और भदावरी जो है इसका ओरिजिन यूपी, क्या माना जाता है, यूपी आगरा, यूपी आगरा इसका क्या माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। और भदावर क्षेत्र से एक तरीके से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, भदावरी कहा गया है। स्टार लगा लो, क्वेश्चन क्या पूछेगा भदावरी से, सर्वाधिक जो वसा की मात्रा होती है वो किसके दूध में होती है, तो भदावरी में होती है, ठीक है ना। उसमें लिख लो सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक वसा कितना, तो 13%, 13% वसा पाई जाती है इसके दूध में। कितनी पाई जाती है, 13% वसा पाई जाती है। और तांबे जैसा रंग है तेरा, गाना सुना होगा आप लोगों ने, सोने जैसा रंग है, तो इसका जो रंग होता है भदावरी का वो कैसा होता है, तांबे के जैसा होता है। तो स्टार लगा के लिख लो तांबे जैसा रंग, रंग की मैं बात कर रहा हूं, रंग रूप आपको देखना है, रंग और रंग में क्या लिखना है, तांबे जैसा रंग है तेरा, तांबे जैसा रंग, तांबे जैसा रंग अंडरलाइन कर लो है तेरा। ये तो बस ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, बट आपको इस पे याद रखना है तांबे जैसा रंग किसका होता है, तो भदावरी का होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और सर्वाधिक अधिक गर्मी सहनशील जो एक तरीके से बफेलो की ब्रीड है वो कौन सी है, तो भदावरी है। तो इसमें लिख लो सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक गर्मी, गर्मी सहन, सहनशील नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, भदावरी होगा। क्या होगा, भदावरी होगा। मिल्क की बात करें, मिल्क, मिल्क, मिल्क दूध कितना देती है, तो दूध देती है 1250 केजी प्रति ब्यात। अगर हम ऐसे नॉर्मल देखें तो अप्रोक्स 5 केजी पर डे। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि वी आकार की नस्ल कौन सी है, मैं बात कर रहा हूं वी सेप, वी आकार की नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, भदावरी होगा। देखो ये नस्ल आगे से चौड़ी होती है और पीछे से सकड़ी होती है, लाइक वी। तो आपको याद रखना है वी आकार की जो नस्ल है भैंस की वो कौन सी है, भदावरी है। तो देखो हमने चार नस्लें याद कर ली, तो इस बे पे तो आप गोला लगा दो। अब हम बात करेंगे किसकी, स की। और स से क्या याद रखना है बोलो भाई जल्दी से, क्या याद रखना है, सूरती याद रखना है। कर दूं रफ, ले लो स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से। अब हम बात करेंगे सूरती की, किसकी बात करेंगे, सूरती। और सूरती से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, क्या पूछा गया है, दराती जैसे सींग है तेरे, दराती जैसे सींग है तेरे, दूसरे नंबर की जो, ऐसे तो 6 नंबर की है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे ऐसे, जन्म हमने देखा 3, उसके बाद में भय तो 4, उसके बाद से तो 5, फिर उसके बाद में मैं तो 6। बट यहां पर मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि हल्की बेस में आपको पढ़ा रहा हूं, हल्की में पहले भदावरी फिर सूरती, तो सूरती आप हेडिंग डाल लो। और जो सूरती नस्ल है इसका ओरिजिन क्या है, खेड़ा व बड़ोदरा, खेड़ा बड़ोदरा गुजरात। खेड़ा व बड़ोदा गुजरात, तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है, गुजरात से मानी गई है। और स्टार लगा लो, क्या स्टार लगा लो, कि जो इसके सींग होते हैं, सींग वो कैसे होते हैं, दराती के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, दराती जैसे सींग किसके होते हैं, या फिर हसिया जैसे, हसियाकार इसके सींग होते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, सूरती होगा। भाई दराती आप लोगों ने देखी है, जो गांव के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि दराती कुछ इस प्रकार की होती है। कैसी होती है दराती, कुछ इस प्रकार की होती है। और दरासी से क्या किया जाता है, कटाई की जाती है, इस तरीके से पकड़ते हैं और इस तरीके से। भाई गेहूं किस किसने काटे हैं, दराती से काटे हैं, आप में से किसी ने गेहूं काटे हैं, मैंने काटे हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। इस तरीके से हम क्या करते हैं, गेहूं को काटते हैं, दराती पकड़ लेते हैं। और गांव में सब्जी वगैरह भी दराती से काटी जाती है, ठीक है, नाइफ वगैरह को कम काम में लिया जाता है। आगे बढ़े, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दराती जैसे सींग होते हैं। और मिल्क की बात कर लेते हैं, मिल्क 1600 से 1700 केजी प्रति ब्यात, मिल्क 1600 से 1700 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। और यहाँ पर फैट परसेंट की बात करें तो इसके दूध में फैट होता है 7.5%, कितना होता है 7.5%। आगे बढ़े भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम बात करेंगे मैं की, मैं मतलब महसाना,
भाई समझ में आ रहा है आप सभी को? बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। देखो याद नस्लें तभी होगी आपको जब आप इनको नोट करोगे और बार बार पढ़ोगे। अभी जैसे हमारा वीडियो कंप्लीट होगा ना तो एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको नस्लें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो सके। अब आगे हम बात करेंगे मैसाना। देखो भे पे गोला लगा दो, से पे भी लगा दो। अब हम बात करेंगे मैं, और मैं मतलब मैसाना, मैसाना। मैसाना का भी जो एक तरीके से उत्पत्ति है वो गुजरात को माना जाता है। गुजरात और मैसाना से आपको क्या याद रखना है, मैसाना जो है एक संकर नस्ल है। कौन सी नस्ल है? संकर हाइब्रिड नस्ल है। किसके क्रॉस से बनी है? तो ये बनी है मुर्रा का क्रॉस किससे करवाया, मुर्रा का क्रॉस करवाया सूरती से। किससे करवाया? सूरती से। तो कौन सी नस्ल की प्राप्ति हुई? मैसाना नस्ल की प्राप्ति हुई। बस इसमें आपको इतना याद रखना है। दूध आप लिख सकते हो मिल्क, मिल्क आप लिख लो यहाँ पर मिल्क 1800 kg प्रति ब्यात दूध देती है। और यहाँ पर इसके अंदर जो फैट परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 6% होता है। तो दोस्तों ये हमारी नस्लें कंप्लीट हो गई। बफेलो में इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बफेलो मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा दिया। देखो एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा जाए, बिल्कुल अच्छे से तन मन धन के साथ, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चर कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो सब आसानी से याद होगा। तो आप इनको नोट जरूर करना और अच्छे से एक बार वापस से दोबारा जरूर पढ़ना। आई होप आपको बिल्कुल सारी की सारे जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। देखो एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारा हमें पढ़ना है, बट सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? काऊ। काऊ कंप्लीट, दो वीडियो हैं इसके। फिर हमने पढ़ा बफेलो, और बफेलो हमारा कंप्लीट हो गया आज। फिर हम पढ़ेंगे गोट, गोट मानी बकरी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिप, पढ़ेंगे सिप भेड़ हम पढ़ेंगे। फिर भेड़ हमारा अभी ये दोनों हमने नहीं पढ़े, इन पर क्रॉस लगा दो। फिर उसके बाद हम बीमारियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बीमारियां हम पढ़ेंगे। फिर हम औषधियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? औषधियां। फिर हम दुग्ध पढ़ेंगे, फिर दुग्ध में एक तरीके से दूध निकालने की विधियां, एज उम्र वगैरह सब पढ़ेंगे। बस इतना ही हमें एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ना है, जिसमें हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। मतलब 10 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर, सॉरी 10 क्वेश्चन, मतलब 40 नंबर। देखो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो 10 × 4 कितने हो गए? 40 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। एक बार चलिए फटाफट इनको मैं याद करवा देता हूँ। गाय को भी याद करवाऊँ क्या भाई? गाय भी हमने पहले पढ़ा था, गाय तो वैसे आपको याद होगी क्योंकि बिल्कुल अच्छे से हमने समझा था ट्रिक के जरिए। एक गिलास दूध अमन भारी है, रथ हरी का आग में, जब से होली आई ब्राउन रेड। याद है कि नहीं है भाई? चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए। भाई हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है? आप लोगों को याद करवाना। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं काऊ की। काऊ में हमने जो नस्लें देखी थी, सबसे पहले हमने जो नस्लें देखी थी वो दूध देने वाली नस्लें देखी थी। याद कैसे करेंगे? एक गिलास दूध से। और गिलास से क्या याद रखना था? गिर, लाल सिंधी, साहिवाल। इसके बाद हमने कौन सी देखी थी? ड्राउट नस्लें जो बोझा ढोने का वर्क करती है, तो उनको याद किया था अमन भारी है मतलब अमृत महल, ठीक है। और यहाँ पर मालवी और ना मतलब नागौरी, ये हमारा क्या हो गया? भारी नस्लें हो गई। इसके बाद हमने द्विप्रयोजनीय नस्लें, ड्यूअल पर्पज ब्रीड, और कैसे याद किया था? हरी का रथ या फिर रथ हरी का आग में, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, रथ हरी का आग में। और रथ हरी का आग में ड्यूअल पर्पज ब्रीड, दोहरे उद्देश्य के लिए जिनको पाला जाता है। रा मतलब राठी, थार पारकर, हरियाणवी, काकरेज, आंगोली, और कौन सा है? रथ हरी का आग में मतलब क्या? मेवाती। तो ये हमारी कौन सी हो गई? ड्यूअल पर्पज हो गई। इसके बाद मैंने आपको याद करवाई थी विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें कैसे याद की थी? जब से होली आई ब्राउन रेड, ब्राउन रेड कैसे याद किया था? तो देखो जब से इसको एक साथ बोलो, जब से, थोड़ा जर्सी जैसा फील आएगा तो ये हो गई जर्सी। उसके बाद होलिस्टन फ्रीजियन, और यहाँ पर आयरशायर, ब्राउन स्विच और रेड डेन। तो इस तरीके से हमने नस्लें याद की थी। फिर इसके बाद हमने संकर नस्लें देखी थी, जिनकी कोई ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई, आपको नॉर्मली वो याद करनी है। अब बात करते हैं बफेलो की। बफेलो मैंने आपको पढ़ाया अभी, बफेलो। और बफेलो में क्या बताई मैंने? बफेलो में दो नस्लें बताई थी मैंने आपको, एक तो जन्म और दूसरा जन्म। जन्म के बाद क्या बताया था भाई? भैंस में जन्म से 3 नस्लें, जाफराबादी, नीली रावी, मुर्रा।
और यहाँ पर भैंस में, भैंस से बदावरी, स से सूरती और मे से मेसाना, जिसमें हमारी नस्लें कंप्लीट हो गई। दोनों में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जिसको याद रखना, वो होता है हमारे पास गर्भकाल अवधि का। गर्भकाल अवधि, गर्भकाल अवधि में गाय की अगर मैं बात करूं तो 280 दिन, और अगर मैं बात करूं भैंस की तो भैंस का कितना हो गया 310 दिन। बॉस इंडिकस और बॉस टोरस, इंडिकस कौन सी होगी कुबड़ वाली, टोरस कौन सी होगी विदेशी जिस पर कुबड़ नहीं होगा। यहां पर बुबेलिस, बुबेलिस कौन सा हो गया देसी पानी वाली या इंडियन ब्रीड हो गई। एक्जोटिक की बात करें तो बुबेलिस कार्बेंसिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोमे, लव प्रकाश गोमे, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अब तक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमने एक न्यू प्लेलिस्ट बनाई है, एक तो पहले बनाई थी जिसमें हमने टेस्ट पेपर सारे के सारे डाले हुए हैं, आपको वहां से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट अभी फिलहाल लेटेस्ट एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी फार्मिंग प्रैक्टिकल के नाम से। किसके नाम से? फार्मिंग प्रैक्टिकल के नाम से। मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर में जितने भी प्रैक्टिकल वीडियोस मैंने बनाए हैं चैनल पे, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। किस तरीके से दवाई का स्प्रे किया जाता है, किस तरीके से दवाई को मिलाया जाता है, पडलिंग क्या होता है, नर्सरी कैसे लगाते हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल वीडियोज आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो एक बार आप चेकआउट जरूर करें। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड।